हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आप सबको ऐसा लगता है कि बाहर जैसा टेस्ट हमारे घर में पाव भाजी जब बनाते हैं उसमें क्यों नहीं आता, तो आज मैं आपके साथ वो टिप भी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट हो या ठेला हो या चौपाटी हो, सबकी पाव भाजी आप भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे स्टाइल से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो हमें वेजिटेबल उबालना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है मटर, 2 से 3 आलू और 1 फ्लावर, और जो बीट रूट लिया है वो मैंने कलर के लिए लिया है सब्जी में। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे कश्मीरी मिर्च या तो फिर फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। इन सबको कुकर में डालकर मैंने आधा गिलास पानी लिया था। इतना पानी डालना है कि हमारी सब्जी इसमें बस गल जाए। उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसे 4 से 5 सीटी ले लिया था। 4 से 5 सीटी में हमारी सब्जी बहुत अच्छे से गल जाती है और हमें मैश करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हमें चॉप करने हैं उसमें है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप किया है, 1 शिमला मिर्च ली है और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। इन सबको हमें चॉप करना है, उबालना नहीं है साथ में। उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में मैंने बटर लिया है, 1 चम्मच तेल लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने जो प्याज चॉप करके रखी है वो इसमें डालना है। प्याज को हमें बेसिकली सॉफ्ट करना है और लाइट कलर करना है, ज़्यादा गोल्डन कलर इसमें नहीं करना है हमें। पाव भाजी बनाते टाइम आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम बटर यूज़ करेंगे वो अमूल बटर ही होना चाहिए, क्योंकि अमूल बटर का जो टेस्ट रहता है ना वो पाव भाजी में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप सिर्फ अमूल बटर ही यूज़ करना आप पाव भाजी जब बनाएंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से सौटे हो जाए उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन को भी हमें 2 सेकंड तक अच्छे से सौटे कर लेना है। उसके बाद इसमें हमने जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो टमाटर इसमें डालना है। नमक डालना है कि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है बस। उसके बाद जो हमने शिमला मिर्च चॉप करके रखी थी वो इसमें डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर हम इन दोनों को अच्छे से पका लेना है। बेसिकली हमें दोनों को सॉफ्ट कर लेना है बस। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच एवरेज का पाव भाजी मसाला डाला है। आप कोई से भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे। मैंने इसे अच्छे से भून कर और इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था, उससे मुझे 10 से 15 मिनट लगा था। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल उबाली है, 4 सीटी में आप देख सकते हैं वेजिटेबल बहुत अच्छे से गल गई थी। इसे हमें मैशर की मदद से मैश कर लेना है अच्छे से। उसके बाद देख सकते हैं हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया है। साइड से आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ गया है। अब जो हमने वेजिटेबल मैश करके रखी है वो वेजिटेबल हमें इसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैशर से हमें अच्छे से इसे और मैश कर लेना है। सब पाव भाजी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वेजिटेबल को सब्जियों को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। हमारी सब्जियां जो इसमें खड़ी खड़ी नहीं रहना चाहिए, एकदम मैशी मैशी सब्जी होना चाहिए। आप इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। जितना आप इसको मैश करेंगे ना हमारी पाव भाजी में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे ही आप बना कर देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये तो बाहर से भी ज़्यादा अच्छी घर में ही हमने आसानी से बना ली है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि दुल्हन जब तैयार होती है तो जब तक नथ नहीं पहनती तो दुल्हन नथ के बिना अधूरी लगती है। बस उसी तरह पाव भाजी हमारे बटर के बिना भी अधूरी है। इसमें आपको बटर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटर के बिना हमारी पाव भाजी आपको अधूरी लगेगी, टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा ही फ़र्क लगेगा। इसलिए आप जब भी पाव भाजी बनाएं तो ख़ास तौर पर अमूल बटर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और बटर डाला है और हमें इसे सब्जियों को मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हाथों से क्रश करके मैंने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाली है। कस्तूरी मेथी डालने से भी पाव भाजी में बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, आप ज़रूर डालिएगा। और हमें इसे 20 से 25 मिनट तक पका लेना है, जो इसकी कच्ची स्मेल है सब्जियों की वो अच्छे से निकल जाए बस। आपको
गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, स्लो आँच पे हमें 20 से 25 मिनट तक इसे पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पकाते पकाते 20 मिनट हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार पाव भाजी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर ऊपर हरा धनिया डाल दीजिए। अब हम पाव को सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने बटर डाला है। उसके बाद जो हमारा पाव भाजी का मसाला है वो इसमें डालना है और पाव को हमें बहुत अच्छे से सेक लेना। पाव भाजी जब हम खाते हैं तो उसमें बटर से बटर वाला ही पाव आप यूज़ कीजिए, उससे भी हमारी जो पाव भाजी रहती है ना उसमें खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। आप इसे बटर वाले पाव के साथ खाइए और सादे पाव के साथ खाइए, आपको खुद फ़र्क लग जाएगा। हमारी पाव भाजी भी हो गई है रेडी। चलिए आइए सर्व करके दिखाते हैं। आप एक बार ज़रूर ये तरीके से बना के देखिए, आप यकीन मानिए आप बाहर की पाव भाजी भूल जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से बनती है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है पाव भाजी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।